अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील में हूँ डायनेमिक स्किल डॉट कॉम की तरफ से, और आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर। इसका नाम है इन पेज कातिब। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि किताबत के मुतल्लिक है, तो आप इसमें उर्दू के उर्दू जो है ना वो टाइप करके, उर्दू कंपोज करके अपने इश्तहारात और एड्स के लिए जो है वो उनवानात टाइटल जो है वो तरतीब दे सकते हैं। तो इसमें आपको जिस तरह से कातिब हजरात और खत्तात हजरात हाथ से लिखते हैं, इसमें आप काफ़ी हद तक उनकी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हम उनको कॉपी कर सकते हैं, उनका स्टाइल को अपना सकते हैं, और अच्छा एक इश्तहार और पोस्ट वगैरह जो भी है हम तरतीब दे सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, मैं आपको तो आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे हासिल आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। और आपको तो इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिस्टम की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले बटन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती बावक़्त पहुँच सकें। इसके अलावा अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए हौसला अफजाई होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद है। आए चले आए स्क्रीन की तरफ, आप लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर लें। मेरे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, आप इसको मेरी वेबसाइट पे जाके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वायरस फ्री है और इसका आपको कोई आपको कोई परेशानी की नहीं होगी। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इसमें भी यही है, आपने सेटअप को डाउनलोड करना है, इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। आप वहाँ से ये inpitchkatib.exe डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आपने इंस्टॉल करना है जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आपके पास ये आइकन आ जाएगा यहाँ पर, तो आइए देखते हैं कि ये देखने में और किस तरह काम करता है। इसको मैंने डबल क्लिक किया, ये आपके पास स्क्रीन आ गई कातिब इन पेज के नाम से। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने कुछ टाइटल्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे महफिल नात शान सहाबा अहले बैत रिजवानुल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा खतम वसल्लम हदिया तब्दीक कौरी हेडमास्टर मौलाना मोहम्मद अलामा इस तरह के। और ये भी साथ यहाँ मेंशन है कि उर्दू किताबत और शह सुर्खियों के लिए नीचे नोट में लिखा हो कि इन पेज का ये वर्जन सिर्फ शह सुर्खियों और इन पेज का ये वर्जन सिर्फ शह सुर्खियों के लिए कारामद है। अच्छा, ये हमारे पास इन पेज ऊपर हो चुका है, तो इसमें देखते हैं किस तरह ये काम करता है। फाइल में गए, न्यू फाइल बनाई और इसको ओपन किया। दूसरे आम सॉफ्टवेयर इन पेज की तरह ही है, इसमें हमने मैं टाइटल को लिखना चाह रहा हूँ। इसको मैंने F8 के साथ जूम इन किया और कोई भी एक जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं, महफिल। देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें जो है वो कैलीग्राफी स्टाइल आ गए हैं, कशीदा वगैरह जो है ना, सॉरी ज़बर वगैरह ज़ेर वगैरह सारे कुछ आ रहे हैं। इसके बाद हम लिख लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद हदिया, फिर हम कर लेते हैं क्या करें, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बेओ लिखा है इसने। इसके बाद जनाब हम कर लेते हैं पाकिस्तान सियालकोट लाहौर, ये इस तरह आप जो है वो तरतीब दे सकते हैं। ठीक है जी, उर्दू इन पेज अच्छा इनको ले जाएं, और इसके बाद हम इसको ले जाते हैं कोरल ड्रा में इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और इसको हम डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं।
ठीक है जी, title.eps, ठीक है जी, सेव किया, इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद इन पेज में इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमारे पास आ गई, तो देखते हैं कि किस तरह ये इसको हम सेट कर सकते हैं कर्व ले। और कर्व करने पास ये हमारे पास आ गया, इसको हम तरतीब दे सकते हैं इसके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का खत्ताती का जो है वो हमारे पास आ गया। इसको हम इस तरह करके एडजस्ट तो सेट कर सकते हैं। थोड़ी स्पेसिंग कम करेंगे तो ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हाथ से लिखा हुआ है। तो उम्मीद है ये पोस्ट आपको पसंद आई हो, ये जो वीडियो ये आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।